वेलकम बैक टू योर चैनल, दिस इज मना। एंड टाइटल आपने देख ही लिया होगा, द वीडियो इज बेस्ड ऑन IBPS PO। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक दो चीज़ें IBPS PO प्री रिजल्ट ओके एंड एक दो चीज़ें जो बता दूँ, मेरा जो टेलीग्राम है यू कैन ज्वाइन तमन्ना चौधरी ओके, जिसमें आपको क्या डेली अपन स्टडी कर रहे हैं ठीक है। और टाइटल जो मेंस का अभी है और प्री भी है। और अब सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरा SBI क्लर्क जो है ना वो मेरा 25th को है, और वो जो कि जयपुर में है। फर्स्ट टाइम मैंने जयपुर से कोई एग्जाम फिल किया था और वो 25th को है। एंड जैसे मतलब थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया ऐसा, मतलब ऐसा हो गया कि पहले 12 मतलब स्टार्टिंग में डेज में मेरा एग्जाम आ जाता था, पर ये काफ़ी ऐसा हो गया कि चलो, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मुझे टाइम ज़्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से ले मतलब और ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम कर सकती हूँ, उसको प्रोडक्टिव वे में ले सकती हूँ। और हाँ, एक बात ये कि जो DIs के लिए कह रहे थे कि हम कौन से टीचर को फॉलो करें, कौन से मतलब मैथ्स में अभी जो मेंस के लिए, एक बात मैं जो आपको सबको कंफर्म कर दूं, टीचर की वीडियोस आप कितने मर्जी टाइम तक देखते रहे ना, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। इट्स ट्रू ठीक है। आप देखो, जैसे मैंने मीनाक्षी मैम गाइडली से फॉलो किया, अब मैं चाहे उनको कितनी भी बार देखती रहूं, वो तब तक नहीं होने वाला है फॉलो मेरे, मतलब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होने वाली है जब तक मैं उनको खुद को नहीं करती हूँ, बाय सेल्फ खुद के हैंड से जब तक मैं उनको नहीं सॉल्व करती हूँ नहीं होता है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा आपको पहले जो सोर्स फॉलो करने को बोलती हूँ वो हमेशा ऑफलाइन सोर्सेस रहते हैं, जैसे PDFs हो गई या जो भी हो गई हैं। अब बुक्स का अगर मैटर आता है तो किरण की बुक है, मैं हमेशा किरण की बुक्स फॉलो करती हूँ ठीक है। ये हो सकता है कि 1-2 एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े जो किरण की पब्लिकेशंस की नहीं होती हैं। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट जैसे मैंने, मुझे यही सजेस्ट किया गया था जब हम मदर्स कोचिंग में पढ़ रहे थे, वहीं से हमें इन्हीं के इनके बारे में सुनने को मिला और वहीं से मैंने पढ़ा। और मेरे कजन ने भी इसी को पढ़कर, फिलहाल वो इंडियन बैंक में एज अ ब्रांच मैनेजर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने यही एग्जाम क्लियर किया था। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल देते हैं कि इस बुक में से ऐसे पढ़कर एग्जाम नहीं क्रैक हो सकता। सर वो एक बात बता देती हूँ, देखो हर एक बच्चे की अपनी लिमिट्स होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ होता है। अब मुझे जो चीज़ बहुत सही लग रही है, इवन ऐसा नहीं है मैंने और बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मैंने पढ़ी हैं, लेकिन फाइनल जो एक होता है ना कि हम अंदर से फील कर पाए कॉन्फिडेंट, वो मुझे किरण ने फील करवाया है ओके। सो हाँ, जैसे इस बात की मैं बात कर रही थी, ये वाली बुक थी आशीष अरोड़ा सर की बुक थी, मैं इनका लिंक तो आपको प्रोवाइड कर दूंगी ओके। इसमें जो आपको करने के लिए मैं बोल रही थी टेलीग्राम पर, वो ये वाले थे ठीक है, Level 3, Level 4 वाली जो ऑफलाइन थी, कि ऑफलाइन पजल्स को करो अगर आपको सिर्फ अलग से करनी है। Level 3, Level 4, Level 1, 2 मत करना, ये प्री में काम ज़्यादा आती है ठीक है। 3 और 4 वाली करना, और 4 वाली तो मैं कह रही हूँ डेफिनेटली एक बार करके देखना। ये सेम एग्जैक्ट जो एग्जाम लेवल में होती है ना, देखो मॉक्स में क्या होता है ना, मॉक्स में आपको थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम का से दिया होता है। इसकी जब मैं कर रही थी, मैं अभी 2 दिन से जैसे मैंने मॉक वगैरह नहीं लगाए थे, लेकिन मैं यही कर रही थी कि स्टिल 5-5 तो DIs एक बार डेली करूं ही करूं मैं अलग से सेपरेट। तो ये वाली जब मैं कर रही थी तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, ये एग्जैक्टली एग्जाम जैसा मुझे फील दे रही थी, क्योंकि इसमें ना तो ये बहुत ज्यादा हाई थी ना ये बहुत लो थी, मैंने देखा ठीक है। और इसमें जैसे आपको लास्ट में यहां से Level 3 मिलेगा, यहाँ आप देखते रहना, ऊपर दिखता रहेगा आपको Level 3 है या Level 4 है ओके, और Level 2 है। अब यहां से ये देखो DIs की, ये DIs हैं यहाँ से, अब ये वाली DI है, जैसे देखो ये वाली आपकी स्पीड और उस पर बेस्ड है ओके, जो एवरेज स्पीड उन्होंने दी हुई है, उसके बाद में ऑटो कार ये दिया हुआ है, स्पीड क्या है, टाइम ट्रेवल क्या है, ये एग्जैक्टली जो एग्जाम में आती है ना उसी टाइप की DIs हैं। अब उसके बाद देखो ये वाला, ये फीलिंग टाइम है, ये एम्प्टी टाइम है, एक बार आप देखोगे दिमाग घूम जाएगा कि यार ये कर क्या रहे हैं, क्या मतलब, जब आंसर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू टैकल ओके, आपको एग्जाम में कैसे टैकल करना है। लाइक होता है ना कि एग्जैक्टली एग्जाम में पता है क्या होता है, नई नई हमेशा कंसेप्ट्स होते हैं उनके, नए नए उनके इन्वेंशंस होते हैं जो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। DIs की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उनके लिए आपको बहुत सी DIs का लगाया होना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है, पता होना कि इस DI को एग्जैक्टली हमें सॉल्व कैसे करना है। एक पॉइंट होता है हर एक चीज का, जैसे पजल में भी होता है, आपका DIs में भी सेम होता है कि अगर हमने ये पॉइंट उठाकर इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हो जाएगा। वही सेम मुझे इसमें लगा कि काफी डिफरेंट टाइप्स की DIs दी हुई थी, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर DI में आ रहा है ना कि हम मैम ये भी हो जाएगा ये भी, लेकिन DI को कैसे करें, मेंस की DIs नहीं हो पा रही है, बहुत हाई लग रही है, तो उसके लिए यू कैन फॉलो इट, 3rd और 4th लेवल की इसकी कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पर इसके दे दूंगी ठीक है, तो आपको मैं फोटोज वगैरह में वो दे दूंगी DIs के, तो आप वहां से भी एक बार देख लेना, अगर आपको सही लगे 10-10 या 15-15 जितनी भी हुई मुझसे यहां से उठाकर मैं दे दूंगी ओके।
बात रही रिजल्ट की, तो देखो रिजल्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मेरे 68 अटेम्प्ट थे यू नो वेल, और कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा रहा था 50-55 जो भी है इस तरह से। मैंने उससे पहले कभी मैंने नहीं कहा था कि होगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मैं वहां पर दो पजल्स में अटकी। मुझे ऐसा लग रहा था काश वो हो जाती, मैं 75 प्लस ले जाती, ऐसा था। तो एक सेटिस्फाई वाली जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आती है ना, तो वैसे ही कहना मुश्किल होता है, तो पहले क्या कह देती। और जब रिजल्ट कल आया तो उससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो पोस्ट की, अब उसके जस्ट बाद में मैं दूसरी वीडियो पोस्ट कर दूं, जबकि मैंने समझ रही हूँ इस चीज को, वो 6 GB पहले से ही मेरा ले चुकी है, अब ये वाली वीडियो भी फिर पोस्ट करना है मेरे को, वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो गया था कल के लिए। और फिर उसके बाद में शाम को काम आ गया कि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा हो गया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको लेट इन्फॉर्म कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स इतना तो चलो ठीक है, बिलीव होना चाहिए। प्री तो क्लियर हो गया है, अब बात करते हैं आगे। तो एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस, मुझे तो दोनों टारगेट एक साथ करके लेकर चलने हैं, क्योंकि 25th को भी एग्जाम है, 26th को भी एग्जाम है, सोचो। सो ये मेरा जयपुर में है, ये मेरा हरियाणा में अम्बाला में है, होगा डेफिनेटली वहीं पर होगा। अगर इधर उधर दे दिया तो और ज़्यादा पंगे होंगे, तो देखते हैं मैं इनको मैनेज कैसे करती हूँ। या तो मुझे एक एग्ज़ाम की बलि चढ़ानी पड़ेगी, ओके ऑफ कोर्स पीओ मेंस की तो नहीं चढ़ाने वाली हूँ मैं, बट स्टिल देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। एंड हाँ, ये भी एक रीज़न था अपसेट होने का कि ये क्या ही हुआ। ओके सो थैंक यू गाइस एंड तारा टेक केयर। होप सो आप जिनके भी एग्जाम्स क्लियर हुए हैं अभी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं हुए हैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी, देखो मेरी भी इस ईयर की जो शुरुआत हुई थी फेलियर से ही हुई थी। सो ये चलता रहता है, फेलियर्स आर द लाइक पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर एक होता ना कि सक्सेस सिर्फ इंसान को मिल जाए, वो सिर पर भी चढ़ती है, वो इंसान के लिए ख़राब है, बट फेलियर्स इंसान को हाउ वी हैव टू स्ट्रॉन्ग सिखाते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे पॉजिटिव and all the best. Tada, take care.